हम सरकार में आए उसके पहले उत्तर प्रदेश सातवीं अर्थव्यवस्था देश में होगा करता था। कौन से नंबर पर था? आज दूसरे नंबर पर है, पांचवी साल में पांच। और चाली और एक बार फिर से बताना, फिर से एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ एक नंबर बनाकर हम उसको। प्रदेश का जीडीपी 10 लाख करोड़ था, उसको 21 लाख करोड़ तक पांच ही साल में पहुंचाए हैं। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में 14वें नंबर पर थे, दूसरे नाम पर पहुंचे हैं। पहले 12 मेडिकल कॉलेज थी, अब 40 मेडिकल कॉलेज है। पहले 1900 बच्चे डॉक्टर बन सकते थे, अब 4200 बच्चे डॉक्टर बन सकते थे, बन सकते हैं। चावल का उत्पादन 139 लाख मेट्रिक टन था, अब 163 लाख उत्पादन हुआ है। और अखिलेश बाबू ये आग्रह खास सुन लेना, गेहूं और चावल की खरीदी आप 100 की खरीदी आप 123 लाख टन करते थे, योगी जी के समय में इसको 214 लाख टन करने का काम भारतीय जनता पार्टी। दलहन का उत्पादन भी बढ़े हैं, आप 4 अड्डे हवाई अड्डे छोड़कर गए थे, हमने 8 बना दिए। और मुजफ्फरनगर वालों याद रखना, जेवर का हवाई अड्डा बनेगा ना, उस दिन ही आपकी भूमि की कीमतों में 50% की बढ़ोतरी होने वाली है। उन्हें डोर टू डोर जाने की आवश्यकता इसलिए पड़ गई है कि मैं तो कहूंगा जिस घर का दरवाजा वो बजाएं या डोर टू डोर कैंपेन में जाएं, वो सिलेंडर उन्हें दिखा दें, वो जो लाल रंग का सिलेंडर है वो दिखा दें। क्योंकि पोटली पे अन्न संकल्प तो लेंगे नहीं वो, तो कम से कम उन्हें लाल सिलेंडर जरूर दिखाएं कि जिस समय वो सरकार में आए थे उस समय एक सिलेंडर भरवाने की कीमत क्या थी और आज क्या कीमत है। पहली बार ऐसा हुआ है कि लोग शमशान से घर पहुंचे। जो लोग शमशान और कब्रिस्तान की बात कर रहे थे, सोचिए भ्रष्टाचार का क्या आलम था कि इतनी बड़ी संख्या में लोगों की जान गई और वो अपने परिवार के दुख में शामिल हुए थे। और सोचिए घर परिवार में कितना दुख बड़ा पहुंचा होगा। और मुझे नहीं लगता कि जिन्होंने इस तरह का काम किया होगा, घटिया काम, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हुई हो। हमारी यही डोर टू डोर कैंपेन है, मैन टू मैन कैंपेन है। लाइए एक पर्चा, लाइए पर्चा, मैन टू मैन कैंपेनिंग हमारी। डोर टू डोर भी कैंपेन होगी और मैन टू मैन कैंपेन भी होगी। मैं आपसे कहता हूं हमारी पार्टी की मदद करना।